हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दीपक सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मिस्टर प्लम्बर एंड इलेक्ट्रिशियन में। गाइस, जैसे कि आपने आज थंबनेल देखा होगा, आज इस वीडियो में आपको क्या सीखने को मिलेगा। तो गाइस, आज इस वीडियो में आपको अच्छे से बताया जाएगा कि एसी का जो ड्रेनेज होता है वो कितनी हाइट पे और फ्लो जो हमारा छत की कितने डाउन में रखा जाता है और साइड की दीवार से या राइट या लेफ्ट दीवार से कैसे कितने इंच पे कितने मेजरमेंट पे दिया जाता है। मैं आज आपको दोनों पॉइंट बताऊंगा जो एसी के ड्रेनेज में दो तरीके के पॉइंट दिए जाते हैं, राइट और लेफ्ट, वो किस तरीके से दिए जाते हैं और कितना उनका मेजरमेंट होता है, और ऊपर का पाइप जहां से एसी के कॉपर वाले पाइप क्रॉस होते हैं वो पॉइंट जो उस पाइप के पॉइंट किस तरीके से दिए जाते हैं, ये भी आज आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो गाइस, ये वीडियो कंप्लीट देखना, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर कंप्लीट नहीं देखोगे फिर आपको कहीं से मेजरमेंट की दिक्कत आ सकती है, तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना। सो वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, अब मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले गाइस, जो हमारी जिस दीवार पे एसी लगेगा, एयर कंडीशनर, उस दीवार की आपने पहले उस दीवार का मेजरमेंट ले लेना। जैसे मान के चलो ये एक रूम की दीवार है, ये हमारा एक रूम है जिस दीवार पे हमने यहाँ पे एसी फिट करना है। तो आपको ये बात और मालूम होनी चाहिए कि आपने एसी कहाँ पे फिट करना है, मतलब आपने बेड की डायरेक्शन के हिसाब से करना है या रूम की डायरेक्शन के हिसाब से, कि रूम के अंदर बिल्कुल सेंटर में आ जाए जो एसी है, वो रूम के अंदर लगाना चाहते हैं, मतलब वो अपने रूम के सेंटर में होना चाहिए या आपके बेड की डायरेक्शन के हिसाब से होना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए। तो मैं दोनों तरीके बताऊंगा। अगर आपका बेड इस तरीके से है, मान के चलो ये यहाँ से आपका बेड शुरू हो रहा है, ये बेड है, इस बेड के हिसाब से आपने एसी लगवाना है, तो एसी लगेगा इस बेड के हिसाब से इस जगह पे, जो कि आपने सभी ने देखा होगा कि एसी की जो चौड़ाई होती है 3 फीट होती है। तो आप किस तरीके से इसका अंदाज़ा लगाएंगे, सबसे पहले मैं आपको सेंटर का बताता हूँ। अगर आपको सेंटर का सेंटर वाले के बाद उसके बाद मैं दिखाऊंगा बेड की डायरेक्शन के हिसाब से। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस दीवार से इस दीवार तक हमने मेजरमेंट लेना है। आपकी दीवार हो जाती है 12 फिट, जो यहाँ से बीच का जो दाया है वो 12 फिट का हो जाता है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि 12 फिट पे पहले निशान लगा देना है सेंटर करके। जैसे हमने सेंटर कर लिया, सेंटर में हमने निशान लगा लिया 12 फिट पे, तो उसके बाद क्या करना है, जैसे 12 फीट में निशान लगा लिया और 12 फीट वाला जो बीच में हमारा 6 फीट आ गया निशान, तो 6 फीट से हमने उल्टी साइड जो हमारा राइट एंड लेफ्ट लेफ्ट हैंड की, जैसे आप सीधी दीवार की ओर खड़े हैं तो लेफ्ट हैंड साइड आपने 18 इंच निशान लगा लेना। मान के चलो यहाँ से 18 इंच, ये हमारा जैसे मान के चलो 18 इंच निशान आ जाता है। तो ये निशान किसके लिए, यहाँ से हमारे एसी के कॉपर पाइप क्रॉस होंगे, जो आपने छत के अंदर होल निकाल करके अगर आपने पाइप दिए हैं तो उस हिसाब से ये है कॉपर के पाइप क्रॉस करने के लिए पाइप, ये पॉइंट बनेगा। तो यहाँ से अब एसी का ड्रेनेज भी बताऊँगा मैं, थोड़ा सा ध्यान रखने। ये देखिए, जैसे हमारी छत है, तो अगर आपको किस तरीके से मेजरमेंट रखना होगा कि छत का लेवल है हमारा, जैसे पूरा क्लियर है कि ये हमारी छत है, उसके बाद आपको छत के बाद 1 फिट आपने सीलिंग का छोड़ना है, 1 फिट साइज जो यहाँ से छत के ऊपर से 1 फिट हमारा सीलिंग लेगी, जो आप डाउन सीलिंग करवाते हैं वो लेगी। उसके बाद आपने डाउन सीलिंग का भी, जैसे जगह डाउन सीलिंग की छोड़ दी, उसके बाद आपने 6 इंच जगह और छोड़नी है, 6 इंच छोड़ के उसके बाद आपने 1 फिट जगह का निशान लगा लेना। जैसे कि हमने ऊपर से 1 फुट हमने डाउन सीलिंग का डाउन किया, उसके बाद डाउन सीलिंग से हमने मेजरमेंट लिया 6 इंच का, एसी और डाउन सीलिंग का बीच में डिस्टेंस 6 इंच का होगा, उसके बाद हमारा एसी शुरू होगा, जो हमारा लास्ट 6 इंच है वहाँ से शुरू होगा और 1 फिट का एसी होगा। तो 1 फिट की जो उसकी लंबाई होती है ना एसी की, मान चौड़ाई मान लो चाहे लंबाई मान लो, क्योंकि हाइट में देखेंगे उसको लंबाई बोलेंगे, तो उसकी हाइट में अगर आप देखोगे तो वो उसकी हाइट 1 फिट होती है। तो 1 फिट के हिसाब से आपके कितना, 1 फिट और गया हमारे, 2 फिट गए, 2 फिट और 6 इंच, मतलब आपको पूरे 30 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ से छत की जो
छत के जो छत के ऊपर से आप मेजरमेंट लगाएं, लगाने के बाद आप 30 इंच पे निशान लगा दें, 30 इंच पे निशान लगाएंगे, उसके बाद ये हमारा पाइप 30 इंच तक आएगा, जो छत में से ऊपर के पाइप क्रॉस करने हैं उस पाइप के लिए जो बता रहा हूँ वो हमारा 30 इंच पे आ जाएगा। 30 इंच के पे आने के बाद ये पाइप हमारा कंप्लीट रेडी है, इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। हमारा 30 इंच पे जब ये आ चुका है उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करना है हमें, इस पॉइंट का अब यहाँ पे एसी फिट होगा तो ड्रेनेज सिस्टम किस तरीके से निकलेगा, तो ड्रेनेज सिस्टम क्या होगा, इस पाइप से बिल्कुल 18 से 21 इंच हमें जगह छोड़नी है इस पाइप से, 18 इंच से लेके 21 इंच, मान के चलो हम 21 इंच ले लेते हैं। 21 इंच में हम निशान लगा के 21 इंच से ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब 21 इंच है थोड़ा सा उससे बाहर की साइड आपने ड्रेनेज सिस्टम का पॉइंट दे देना है। तो ड्रेनेज सिस्टम चाहे जिस साइड लेके जाए वो मैं आपकी अलग बात है, आप जिस साइड भी दें, चाहे आप पीछे की ओर निकाल दें दीवार से होल निकाल करके, वो बात अलग है। तो उसका जो पॉइंट है एसी ड्रेनेज का, आप बिल्कुल छत की हाइट से 30 इंच पे देंगे, ये वाला ड्रेनेज 30 इंच पे देंगे, और उसको हम इस पॉइंट से, अगर क्या करते हैं भी कुछ भाई होते हैं वो बिजली वाले, क्योंकि ये काम होता है इलेक्ट्रिशियन का, जो ये कॉपर की पाइप के लिए जो जगह छोड़ी जाती है इलेक्ट्रिशियन का काम होता है, तो इलेक्ट्रिशियन जो बंदा है वो अगर आप ये पाइप नहीं डालता तो ये प्लम्बर को मालूम होना चाहिए कि हमारा ड्रेनेज कितने इंच पे आएगा, कितने इंच पे आएगा, कितने इंच पे नहीं आ रहा, क्योंकि इस चीज़ का, इस मेजरमेंट का जो पूरा एस्टिमेट है ये प्लम्बर को मालूम होना चाहिए, क्योंकि कभी इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर से जब भी हम किसी भी साइड में काम शुरू करते हैं सबसे पहले प्लम्बर अपनी जीरी शुरू करता है, इलेक्ट्रिशियन थोड़ा सा लेट हो जाता है क्योंकि हमारे गीजर के पॉइंट वगैरह होते हैं, उन पॉइंट के हिसाब से उसने जीरी शुरू करनी होती है अपने एक साइड के अंदर, तो इसीलिए इलेक्ट्रिशियन हमारा हमेशा हमसे पहले नहीं आता, हमारे बाद आता है। तो हमारे बाद आने से हमें मालूम नहीं है कि हम एसी का ड्रेनेज किस तरीके से उतारेंगे, तो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ एसी का मेजरमेंट बता करके कि आपको दिक्कत ना आए। तो आपको मैंने बताया कि यहाँ से 18 से 21 इंच छोड़ दें, क्योंकि इस जगह पे क्या होता है कि एसी की जो जिस एजिस के सहारे एसी ठहरा होता है ना, हमारी दीवार पे लगा होता है, वो जाली का साइज 18 इंच से, मतलब पूरे इस पाइप से लेकर के 16 इंच होता है, और उससे हम आगे जितना भी कर ले, क्योंकि यहाँ से हमारा जो इंडोर है शुरू होगा और यहाँ से 3 फुट तक हमारा इंडोर ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप तैयार करते हैं तो कभी भी आपका आउटडोर राइट या लेफ्ट दीवार की ओर ज़्यादा नहीं होगा, मतलब बिल्कुल सेंटर में होगा आपका जो इंडोर है जिससे कूलिंग बाहर आएगी, एसी बिल्कुल सेंटर में होगा। तो अगर आपने किसी बेड के हिसाब से बेड के डायरेक्शन के हिसाब से लगाएंगे तो उसके बारे में बताता हूँ। पहले ये जान लीजिए, जब आप ये 30 इंच पे पॉइंट देते हो तो आप ऊपर वाले पॉइंट, जब हम पाइप ऊपर को पहुँचा देते हैं, आप अगर 1.5 इंच का पाइप यूज़ करते हैं 20 mm का, आप उसको रिड्यूस करके उसके एयर कंडीशनर जो एसी के पास है 6 इंच का टुकड़ा 1 इंची पाइप का लगा दें, वहाँ से रिड्यूस करके, और 1 इंची का आप हाफ एल्बो लगा दें 45, तो उससे क्या होगा कि एसी का पाइप बिल्कुल आसान तरीके से अंदर चला जाता है, तो कभी दिक्कत नहीं आती है एसी फिट करने वाले को भी, और कभी भी आपको कोई लीकेज की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप 30 इंच पॉइंट देंगे तो पाइप कभी भी ऊंचा नीचा होकर के, अगर आप हाइट ऊंची नीचे कर जाते हैं, मान के चलो आप 30 की जगह 28 कर देते हैं, क्योंकि छत की हाइट से देखेंगे ना, तो 30 इंच करेंगे, क्या पता 28 कर दे, तो पाइप जो एसी का वेस्टेज ऊपर डाउन होकर ऊपर होकर के फिर अंदर जाएगा, तो उससे उस वजह से एसी का पानी हमारे रूम के अंदर ही गिरता है, जो कभी कभी हमारा एसी का पंखा है वो उठा उठा के मारता है, तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें। तो ये था गाइस बिल्कुल सेंटर में अगर एसी लगाना, तो अगर आपने बेड की डायरेक्शन के हिसाब से चलेंगे तो बेड की डायरेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रिशियन होगा वो जो कॉपर पाइप को जो क्रॉस करेगा वो करेगा हमारे रूम का सेंटर करेगा, पहले रूम का सेंटर जैसे कि हमने कर रखा है, तो रूम के सेंटर से वो पॉइंट नीचे उतार देगा, इसके अंदर से हमारे कॉपर के पाइप फिर से क्रॉस होंगे जो कि छत की हाइट से, मतलब छत से 30 इंच डाउन में होंगे, और 30 इंच डाउन में होंगे, तो इसी पॉइंट के हिसाब से आपने बीच में
18 इंच का गैप छोड़ के यहाँ से, तो यहाँ से हमने एसी ड्रेनेज का पाइप दे देना, चाहे जिस साइड भी लेके जाएं चाहे उस साइड, क्योंकि हमने जीरी मारकर के लेके जाना, जीरी मारेंगे हमारे ग्राइंड कटर के साथ तो अभी हम उसी साइड लेके जाएंगे, वो तो अंडरग्राउंड ही होता है, तो किसी भी साइड लेके जा सकते हैं। बट हमारे जो कॉपर के पाइप टकने के लिए जो जगह है, वो पॉइंट है, उनसे आपको 18 इंच से ऊपर ही ड्रेनेज सिस्टम का पॉइंट देना है। अगर आप ड्रेनेज सिस्टम का पॉइंट थोड़ा सा भी 18 इंच के अंदर कर देते हैं तो आपको दिक्कत आएगी। वो किस चीज़ की आएगी? वो आएगी एसी की जो मेन जाली होती है जिसके सहारे एसी लगता है, वो जाली अटक जाएगी तो आपका ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल काम नहीं आएगा। उसके लिए फिर से ओपन ड्रेनेज सिस्टम डाला जाएगा। ओपन ड्रेनेज सिस्टम डालेंगे तो ही फिर वो कामयाब होगा, क्योंकि वो हमारा वो वाला ड्रेनेज सिस्टम नहीं काम आएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने ड्रेनेज सिस्टम डाला है, जो कि एसी का ड्रेनेज सिस्टम है। तो गाइस इसमें मैं आशा करता हूँ, क्योंकि अब देखिए जो मैंने अभी यहाँ पे सेंटर में निशान लगाया है, तो यहाँ से एयर कंडीशन कैसा जाएगा, यहाँ से शुरू होगा यहाँ तक आ जाएगा, जो कि बेड की डायरेक्शन के हिसाब से हमारा एसी लग जाएगा। तो आपको समझ लग गई होगी कि क्या मैं समझा रहा हूँ, कैसे मैंने समझा दिया है। तो मेजरमेंट मैंने आपको बताया कि छत की हाइट से हम छत के ऊपर से निशान लगाएंगे 30 इंच डाउन में, और वहाँ से हमने ड्रेनेज सिस्टम डालना है और ड्रेनेज सिस्टम की सेटिंग करनी है। तो गाइस सबसे पहले मैं एक और बात बताता हूँ, पहले पॉइंट किस तरीके से दिया करते थे, जो इस पॉइंट के नीचे पॉइंट दे देते थे, बट इस पॉइंट में जब इस जगह पॉइंट दे देते थे ड्रेनेज का, तो दिक्कत ये आती थी कि इस पॉइंट के जरिए से जब हम बैंड वगैरह लगाते थे, अगर एसी वाला एयर अपना पैप डालता था, तो उसमें दिक्कत आ जाती थी। वो किस चीज़ की आती थी कि यहीं पे कॉपर के पाइप जब जाते हैं, सिर्फ इतनी जगह होती है एसी के डाउन में, जो एसी के नीचे जगह होती है इतनी जगह होती है, उसी में हमारा ड्रेनेज सिस्टम आएगा, उसी में हमारे कॉपर पाइप आएंगे, उसी में हमारे वायर आएंगे, तो उसमें दिक्कत आ जाती है। तो इसीलिए आप जब ड्रेनेज सिस्टम डालते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ड्रेनेज सिस्टम हमेशा राइट तरफ ही डालें, लेफ्ट साइड, हमारे पॉइंट तो दोनों साइड आते हैं, अब आजकल जो एसी आ रहे हैं उनके पॉइंट दोनों साइड होते हैं, बट आप इस तरीके से डालेंगे तो कोई भी एसी जिसमें पॉइंट नहीं है तो आपका यही ड्रेनेज सिस्टम काम आएगा। तो गाइस ये देखिए आपके सामने मैंने आपको बताया कि ड्रेनेज सिस्टम किस तरीके से डाला जाता है एसी का। तो गाइस मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि गाइस मेहनत बहुत लगती है, तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।